वक्त हम खड़े हैं लोरा ग्राउंड में, और हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक फुटबॉल की गेम हो रही है। संगम स्पोर्ट्स क्लब लोरा का बहुत पुराना स्पोर्ट्स क्लब है। हमें याद है कि जिस वक्त तोती बोलता था पाकिस्तान में हॉकी का, सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह का जब नाम था उस वक्त यहाँ पर हॉकी खेली जाती थी। उसके बाद क्रिकेट आया, क्रिकेट बड़ा अरसा यहाँ पर खेली जाती रही। कुछ अरसे से यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब पहुँच चुकी थी, मगर आज जब हमने फिर देखा कि यहाँ पर नौजवान फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल लियारी का खेल था, ज़्यादा लियारी में खेला जाता था, आज हमें नज़र आया कि लोरा में फुटबॉल खेला जा रहा है। संगम स्पोर्ट्स क्लब के जो इस वक्त आसम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। हम चलते हैं आसम से, और आसम से पूछते हैं कि आसम, ये कब शुरू किया और किस तरह शुरू किया, और इसमें किन चीज़ों का फुकदान है, किन चीज़ों का इजाफा यहाँ पर ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं हम आसम के पास। आसम, बताइएगा आप ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारे ग्राउंड में, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके वाले से जाकर किया, और मसाइल तो सर बहुत से हैं, क्योंकि देख लें आप, यहाँ पर जो सहूलियात हैं जो हमें होनी चाहिए ग्राउंड्स के वाले से, वो ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी हम इसको इंशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं अपनी तरफ से। और ये फुटबॉल चूँकि हमारा स्पोर्ट्स, यानी कि कोई भी स्पोर्ट्स के लिए अभी यही ग्राउंड है हमारे पास, क्रिकेट भी यहाँ ही हम खेलते हैं, फुटबॉल भी यहाँ ही खेलते हैं, और कोई गेम हो गया कि आपका ख्याल कैसे आया? देखें फुटबॉल चूँकि मैं तकरीबन जब मेरी एज 11-12 साल थी, तो वहाँ उस वक्त से मुझे बहुत शौक था फुटबॉल खेलने का, और फुटबॉल आप कह सकते हैं मेरा जुनून भी है, क्योंकि दो ही गेमें मैंने खेली हैं, एक क्रिकेट खेली है और एक फ़ुटबॉल खेला है, तो फुटबॉल के वाले से मुझे बहुत बचपन से ही बहुत शौक़ था। तो इसलिए मैंने कहा, सोचा जब कुछ अर्से के लिए मैं आउट हो गया यहाँ से, मुल्क से यानी कि ओवरसीज हो गया, तो उस टाइम में जब आउट हुआ तो पीछे गेम का वो फुटबॉल का जो रुझान था एक वो बहुत कम हो गया। तो फिर बाद में मैंने सोचा यार कि ये जब मैं वापस आया इधर लीव पे या इस तरह, तो मैंने सोचा यार कि फिर एक दफ़ा फुटबॉल को हम यहाँ पर करते हैं, और चूँकि हमारे पास यही ग्राउंड है, एक थोड़ा उस लेंथ के हवाले से भी पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने फुटबॉल को यहाँ पर उजागर रखा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इतने लड़के जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से बचे हुए हैं और फुटबॉल की तरफ उनका रुझान बन गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज लोरा में बहुत अच्छी गेम हो रही है फुटबॉल के हवाले से। ये बताइए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम सर देख लें, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो हमें कोई इसमें, चूँकि कोई भी गेम होती है उसमें कोच का बहुत अहम रोल होता है, अगर कोई अच्छी सी कोचिंग हमें मुयसर हो जाए, उसके अलावा ग्राउंड में जो सहूलियात होती हैं किट्स वगैरह हो गई, उसके अलावा जो स्पोर्ट्स वगैरह स्पोर्ट हो जाती है, फाइनेंशियल स्पोर्ट, अगर कोई हमें कोई इससे रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई मजा कर दे तो हमारे लिए और ईजी हो जाएगा, और हम और गेम को जो फुटबॉल को या किसी भी गेम को हम और अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और इससे तो ज़िली हुकूमत या सूबाई हुकूमत इस हवाले से आपकी कोई हेल्प नहीं कर रही है? देखें जी सर, ज़िली हुकूमतें बहुत दफ़ा आई हैं, हमने उनको दावत दी है किसी भी इवेंट पर या इस तरह, तो वो लोग आए हैं लेकिन उन्होंने वादे किए हैं, बातें की हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सब कुछ आपके सामने है, हम जो जो किटे लगा के खेल रहे हैं अपनी तरफ से, हम अरेंज कर रहे हैं जो भी होता है, हम अपने अपने पास से अरेंज करके खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स को हमने जिंदा रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि हमारे जो नौजवान हैं कम अज़ कम हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से बची रहें। तो ये आपके सामने है, जब जिली हुकूमतें अगर सपोर्ट करती तो आज हमारे हालात और इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती। नहीं, यहाँ पर यह बताइएगा कि अगर कोई स्पॉन्सर आपको मिल जाता है, इमरान खान का भी बड़ा वीएन है, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बड़ा वीएन है कि हमने स्पोर्ट्स को, और वो ख़ुद भी एक स्पोर्ट बन रहे हैं, तो अगर वो कुछ आपको सहूलियात देते हैं तो क्या आप लियारी जो जो नाम है उस लेवल की टीम यहाँ से दे सकते हैं? देखिए सर, इस तरह है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो पीएम साहब हैं उनका भी एक स्पोर्ट्स से एक उनका एक सिलसिला है, और उसके अलावा बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टैलेंट देख लें आप, बहुत टैलेंट है, लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं, खास करके जो नए लड़के आ रहे हैं इसमें ग्राउंड में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कर सकते हैं हम, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए। लियारी में भी आप देख लें कि वहाँ से नौजवानों ने कुछ नौजवान थे उन्होंने वो आए हैं और उन्होंने गेम स्टार्ट किए, तो आज लियारी देख लें कि दुनिया में उसका नाम है, तो हमारा लोरा भी बन सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी सी जो है वो सहूलियात की हमें चाहिए, सहूलियात हों तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा आसम, आपका एक नाम आता है, आपका एक नाम आता है सोशल एक्टिविटी पे, जी जी, बहुत ज़्यादा आप सोशल भी रह रहे हैं जी, तो क्या आप क्या समझते हैं कि हम लोरे का नाम
गूगल पर किस हालत में हम रख सकते हैं? देखें सर, इसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं हमारे एरिया में, हमारे सर्कल में, जो हम गूगल पे डाल सकते हैं, जैसे कि ये स्पोर्ट्स हो गई और बहुत सी चीज़ें हैं हमारे कदीम। अब ये देखें, ये साथ में हमारी बिल्डिंग्स हैं थाने की या स्कूल की, इसमें आप देखें ये बहुत पुराने, इनके तारीख में चेक करें तो बहुत पुराना ये सिस्टम एक सिलसिला जा रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं हम लोरा की जो जागर कर सकते हैं, जिससे हमें एक पॉजिटिव साइन, हमें पॉजिटिव चीज़ मिल सकती है। तो ढूंढने को अगर चलें तो बहुत सी चीज़ें हमें मिल सकती हैं जो हम गूगल पर डालें। लोरा के व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे, बिलखसूस नौजवानों को? देखिए जी, चूँकि मेरा तो तलक स्पोर्ट्स से ही रहा है एक टाइम से, तो मैं तो स्पोर्ट्स को ही प्रमोट करूंगा। मैं बोलूंगा कि यार कम से कम ग्राउंड में आना चाहिए हम लोगों को, ना कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करें। मतलब बहुत सी चीज़ें होगी हमारे माशरे में जो नहीं होनी चाहिए, तो ग्राउंड्स को आबाद करें, ग्राउंड्स को टाइम दें, खाओ किसी भी गेम की, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, किसी भी गेम में हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।